बालाघाट के दो बच्चों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या शून्य से बढ़कर दो पहुंच गई है। दोनों बच्चों की उम्र 5 से 12 साल के बीच बताई जा रही है और इन दोनों बच्चों को होम आइसोलेट करके इलाज किया जा रहा है। CMHO डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए दोनों बच्चे सर्दी खांसी से पीड़ित थे। उनके परिवार के सभी लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ, जो कि नेगेटिव आया। बच्चों के परिजनों का कहना है कि वे कहीं बाहर नहीं गए हैं और ऐसे लोगों के संपर्क में भी नहीं आए हैं जो बीमार हो। स्वास्थ्य विभाग इन बच्चों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाल रही है। हाँ, ये दो बच्चे अभी सरेखा के हैं और एक वार्ड नंबर 30 का, एक वार्ड नंबर 31 का है और एक 5 साल का, एक 12 साल के हैं। तो इन बच्चों को सर्दी खांसी की शिकायत थी और शिकायत के बाद में इनका सैंपल लिया गया था तो ये पॉजिटिव निकले हैं। और इनके साथ में जो लोग थे और जो लोग हैं उनका सबका भी सैंपल अभी कलेक्ट किया गया, लेकिन वो सब निगेटिव हैं। लेकिन उनको अभी सब घर वालों को हमने ये कहा है कि वो अभी 14 दिन तक आइसोलेट रहें, किसी से मिले जुले नहीं, और घर के सामने में उनकी बैरिकेटिंग कर दी गई है ताकि वो आम जनता के बीच ना मिल पाए, ना आ जाए।